यूपी के बरेली से, जहां इज्जत नगर थाना क्षेत्र के एयरफोर्स स्टेशन के पास रहने वाली रोजी मैसी ने बताया कि उसके पति मनोज कुमार ने वहीं के रहने वाले संजय बाल्मीकि से 70,000 रुपए 10% ब्याज पर सन 2019 में लिए थे। आपको बताते चले कि घटना के बाद संजय ने उसके पति का एटीएम कार्ड छीन लिया और हर महीने एटीएम कार्ड से 20,000 रुपए निकाल लेता है, जिसके चलते उसके घर का खर्च चलना मुश्किल हो गया है। तब उसने एटीएम कार्ड बंद करा दिया। अब संजय बाल्मीकि से 70,000 रुपए के 2,00,000 रुपए और मांग रहा है। इसके बाद संजय बाल्मीकि अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसके घर में आने लगा। उसका भाई सोनू बाल्मीकि और पत्नी दोनों उसके साथ गाली गलौज करने लगे। उसने बताया कि अक्सर उसके साथ मारपीट करते हैं और उसकी जवान बेटियों को भी गालियाँ देते हैं। संजय बाल्मीकि और उसके भाई ने उसका फोन छीन लिया। रोजी मैसी ने संजय बाल्मीकि के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है आप लोग? रोजी मैसी। कहाँ रहते हैं? एयरफोर्स गेट पे। मेरे पति मनोज कुमार सिविल एयरफोर्स में है। क्या मामला है? पूरा मेरे पति ने 70,000 रुपए लिए थे 2019 में। मेरे पति को किसने दिलाया था? सामने के यहाँ किसको दिलाया था? कोई लड़का है संतू, उसने दिलाया था मेरे पति को। मुझे नहीं पता था इस बारे में। फिर भी जब मुझे बाद में पता चली, मैंने कहा एटीएम कहाँ है, करे संजय बाल्मीकि के पास में। वो हर महीने उसने 70,000 से 2,00,000 रुपया बना दिया। मैं अपने बच्चों का पेट काट के देती चली आई। मैंने कैसे अपने घर का गुजारा करा, बस मेरा ऊपर वाला जानता है। और किसी मेरे मायके वाले पास में रहते हैं। मैं भूखे प्यासी रह के अपने मायके अपने घर चली जाती थी। वो लेकर आज मैंने पिछले महीने से एटीएम बंद करा दिया। उसने 2,00,000 की रकम बना दी थी। मैंने एटीएम बंद करा दिया। उसने मेरे साथ मारपीट की, मेरी जवान बेटियों को मारा, घर में घुस के लचौक की संख्या। अब तक कितना रुपए दे चुके हैं आप? अब तक मेरे पास स्टेटमेंट है, मैं 5,40,000 रुपए दे चुकी हूँ। 5,40,000 रुपए आज तक की डेट में मैं उसको दे चुकी हूँ। और मेरे ब्याज किस हिसाब से ब्याज ले रहा है? 10% ब्याज ले रहा है। मेरे पास स्टेटमेंट है। पति क्या करते हैं आपके? मेरे पति एयरफोर्स में सिविल डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जॉब। अच्छा, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज किससे शिकायत करी? जाती हूँ, वो पैसा दे देता है, वो कहता जा कहाँ जाए। आज किससे शिकायत करी आपने? मैंने अभी एसएसपी साहब के ऑफिस आई हूँ। मैंने थाने में चौकी में कही, पिछले महीने से किसी ने मेरी सुनवाई नहीं करी। बस मेरे साथ न्याय करा जाए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।